हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो सेशन में। इस वीडियो में मैं स्पेशली डिस्कस करने जा रहा हूँ एनिमल किंगडम का जो फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा था उसका नेक्स्ट सीरीज है, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तीन फाइलम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। फाइलम 8 है मोलस्का, फाइलम 9 है इकानोडर्माटा, फाइलम 10 इसमें हेमीकोरोडाटा। तो दैट मीन्स मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमीकोरोडाटा, इन तीनों को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान, दोस्त और बायो मेंटर, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सबसे पहला फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका फाइलम है मोलस्का। ठीक है बच्चों, फाइलम है मोलस्का। मोलस्का फाइलम के बारे में जो सबसे पहला और बड़ी बात है कि ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। समझे बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये बात तो आपका यहाँ इस एनसीटी में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और प्लस जब इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम हो गया आपका ऑर्थ्रोपोडा और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हो गया आपका मोलस्का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं मोलस्क जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं। एक्वेटिक कंडीशन में मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होता है, तो ये तो इसका हो गया हैबिटाट। अदर फीचर में अगर हम देखते हैं तो ये ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है, ठीक है ना, कि एस्केहेलमिन से लेके कॉर्डेट तक सबके सब क्या होते हैं, ऐसे याद करते रहना, सबके सब क्या होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल्स होता है, तो बायलेटरल ग्रुप है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, तीनों जर्म लेयर, एक्टोएंडो और मेसोडर्म्स लेयर होता है, और सिलोम के साथ ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। ट्रू सिलोम का मतलब बताया था कि ये कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन होगा बच्चों। ठीक है, दो टर्म्स यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है, ध्यान रखना। पहला है मेलेकोलॉजी, तो मेलेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द मोलस्क, और एक होता है कॉन्चोलॉजी। कॉन्कोलॉजी बोलो या कॉन्चोलॉजी बोलो, जो मर्जी बोले आपकी बोल सकते हैं। कॉन्कोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ द सेल, जैसे कि ये देख रहे हो आप स्नेल, एप्पल स्नेल्स, इसका जो सेल्स, इसके स्टडी को भी किया जाता है। जैसे शंख वगैरह में बहुत अलग अलग तरह का आप लोगों ने देखा होगा, सीप वगैरह में सजावट वगैरह के लिए भी और पूजा वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो इसको देखा होगा, तो उसी के सेल्स के स्टडी को बोला जाता है कॉन्चोलॉजी या कॉन्कोलॉजी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर हम देखते हैं तो इसका बॉडी जो है एकदम डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश होता है आपका हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम्प में। ठीक है बच्चों, एक चीज और इसमें ले सकते हो, मेंटल पार्ट। ठीक है ना, मेंटल, मेंटल जो कि लिखा नहीं है, तो मेंटल को भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेंटल, तो अब हो गया बॉडी डिस्टिंग्विश होता है किसमें, हेड, फुट, हम्प और मेंटल में होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये कंपलसरी नहीं है कि जितने भी मोलस्क हैं उनमें ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आगे कुछ कुछ इधर उधर एक्सेप्शन दिखता है, बट ये चीजें होता है। जैसे कि मेंटल को ही ले लो, मेंटल यहाँ पर बेसिकली इसलिए नहीं दिखा होता कि मेंटल कंपलसरी नहीं है कि ये सब जगह मिले। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्पेशली जैसे कि अगर आप मोलस्क के बारे में जैसे सोचना स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले ख्याल आता है स्नेल्स का, और अगर लाइफ में कभी ना कभी मोलस्क को तो देखा ही होगा, स्नेल्स को तो देखा ही होगा, तो उसमें एक हार्ड कैलकेरियस ब्राउन कलर का कवर दिखता है, तो या फिर संघ का हो गया, स्नेल्स वगैरह होता सेल, तो इसमें अपने सेल क्यों नहीं लिखा, पूछ सकते हो कि मैंने यहाँ पर सेल क्यों नहीं लिखा। तो सेल जो होता है ये कंपल्सरी नहीं है कि सभी में मिले। ठीक है बच्चों, एक इसमें ग्रुप है सिफेलोपोडा, जैसे कि ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस भी एक मोलस्क है बच्चों, समझे, तो उसमें सेल नहीं मिलता है, आई बात समझ में, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेल को नहीं लिखा, लेकिन मेंटल होगा, आई बात समझ में। नेक्स्ट आ जाता है वही मेंटल के बारे में, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होता है स्किन का, फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम, तो विसरल हम के ऊपर जस्ट होता है, जैसे कि इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, इस डायग्राम में देख सकते हो तो ये सारे पार्ट जो है ये मसल्स, मस्कुलर पार्ट होता है, ये हो गया हम, ये हो गया फुट, यहाँ पे लिखा भी है, ये लिखा है विसरल हम, और ये हो गया फुट,
मस्कुलर, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है बच्चों, ये है मेंटल लेयर, यहाँ पर दे रखा है, ये लिखा है मेंटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ हेड है, हेड पे आई और माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। माउथ में यहाँ पे एक रेसिपिंग स्ट्रक्चर होता है, इस रेसिपिंग स्ट्रक्चर को रेड्यूला कहा जाता है, ये लिखा है बच्चों, ठीक है ना, रेड्यूला कहा जाता है, रेड्यूला कहा जाता है, ये लिखा है रेड्यूला, ठीक है बच्चों। तो ये कहाँ होता है, ये रेसिपिंग स्ट्रक्चर जो बोला इसको बोला जाता है रेड्यूला, ठीक है। आई और एंटीनाज वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब मेन वाइल यस मेंटल के जस्ट ऊपर ये वाला लेयर मान लेते हैं मेंटल है, तो ये वाला जो लेयर है बच्चों ये है सेल, ठीक है। ये आपका जो लेयर है ये है सेल, दिख रहा है यहाँ पे, ये लिखा सेल लिखा है। तो अगर मेंटल होगा तभी सेल्स का फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। मेंटल होगा तो सेल का फॉर्मेशंस होता है, तुम्हारा सेल का फॉर्मेशन होता है। यही हार्ड कैलकेरियस स्ट्रक्चर होता है जो कि एकदम शुरू में लिखा हुआ, देखो, बॉडी इज कवर बाई ए कैलकेरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनसेगमेंटेड है, एक्सेप्शन भी है लेकिन ये मान के चलो अभी अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है मेंटल कैविटीज, ये बच्चों मेंटल कैविटीज लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे मेंटल कैविटीज। तो मेंटल कैविटीज क्या होता है, ध्यान रखना, स्पेस होता है इन बिटवीन द हम, विसरल हम और मेंटल के बीच का एक कैविटीज होता है, और इसी में यहाँ पे दिख रहा है एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है गिल्स। गिल्स का यहाँ पे दो काम है बच्चों, ठीक है, एक तो रिस्पायरेशंस में काम करेगा ही करेगा, और दूसरा ये एक्सक्रीशंस के लिए भी ऑर्गेन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स भी होता है तुम्हारा। मोलस्क केस में और भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होते हैं जैसे कि ऑर्गेन ऑफ बुजेनस, ठीक है ना, ऑर्गेन ऑफ बुजेनस एंड केबर्स ऑर्गेन्स। तो ऑर्गेन ऑफ बुजेनस को ही बोला जाता है किडनी बोला जाता है, ठीक है बच्चों, वन पेयर वन होता है सिंपल। तो ध्यान रखना, अगर बोलता है कि भाई मोलस्क में किडनी है कि नहीं, तो आप बोलना हाँ, कि एक्चुअली में ऑर्गेन ऑफ बुजेनस को ही किडनी कहा जाता है, तो किडनी की जैसा स्ट्रक्चर भी होता है फॉर एक्सक्रीशंस के लिए, आगे मिल जाएगा कहीं पे लिखा हुआ दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट ध्यान रखना, इसमें एंटेरियर पार्ट में यहाँ पे जैसा कि मैंने आई दिखाया था, एंटेरियर पार्ट ऑफ रीजन हेड में इसमें सेंसरी टेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होता है, माउथ होता है और फाइलाइक रेसिपिंग स्ट्रक्चर होता है रेड्यूला जिसको बोला है। फाइलाइक रेसिपिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे जिगजैग जैसे स्ट्रक्चर होता है, उनके पास हाथ पैर तो है नहीं कि खा सके, इनमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये फूड को अंदर लेके चले जाएंगे माउथ के अंदर, ठीक है। तो रेसिपिंग बोला जाता है, इसलिए रेसिपिंग स्ट्रक्चर्स होता है उसको बोला जाता है रेड्यूला, बहुत अच्छे से ध्यान रखना रेड्यूला, ठीक है। ये तो रहा स्ट्रक्चर्स के बारे में, अब थोड़ा सा हम लोग बच्चों इसके सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में उतना कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, तो कुछ चीज़ें हमको जानना है बच्चों, इसलिए आपको भी ध्यान में रखना चाहिए ये बात, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट्स मैंने अपने बुक से ले रखा, उसको देख लो, तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ठीक है ना, बट सेपिया और अदर जो सेपुलर पोर्ट्स होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो मतलब यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो ओपन भी है और क्लोज भी होता है तुम्हारा। ओपन जो कैटेगरीज है, ओपन ध्यान में रखना, ये सिर्फ किसमें है तुम्हारा, ठीक है ना, नॉन सिफेल सिफेल लोक कॉर्डेट्स में जो होता है। हाँ, तो बच्चों बोला था इसमें कि जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये मिलता है आपका नॉन सिफेलिक मोलस्क। नॉन सिफेलिक मोलस्क का मतलब जैसे स्नेल्स वगैरह जैसे था, बाइवेलविया वगैरह हो गया, ये सब नॉन सिफेलिक मोलस्क है, ठीक है। बट ऑक्टोपस जिस ग्रुप में आता है उसी में स्क्वेट्स वगैरह आ जाता है, तो ये सिफेलिक मोलस्क कहलाते हैं। तो इनमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है। बट अगर मान लो तुमसे अगर पूछे कि भाई चलो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो कैसा होता है, तो क्या बोलोगे फिर, इसमें आप ओपन क्लोज दोनों कहना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने तो चालाकी किया है कि लिखा ही नहीं है उसने, ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, दूसरा एक और चीज़ ध्यान रखना, जिनमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें जो हार्ट होता है, हार्ट, ठीक है ना, हार्ट तो प्रेजेंट होगा ही। हार्ट जो होता है यहाँ पे दो तरह का हार्ट होता है, एक न्यूरोजेनिक और एक मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है बच्चों।
तो जितने भी नॉन कोरडेट हैं उनमें तुम्हारा न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है नॉन कोरडेट में, ये सिफेलिक मलक्स, इसमें भी कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब हो गया कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो सिग्नल है हार्ट खुद जनरेट करता है सेल्फ एक्साइटेड थ्रू, जैसे कि हम लोगों में मतलब ह्यूमंस में एसए नोड होता है, तो वो एक्साइटेशंस के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए सिग्नल खुद जनरेट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। तो नॉन सेफेलिक मलक्स में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट भी कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब मान लो जो ओपन टाइप है तो उनमें तो क्या होता है, पूरा सिलोम में ब्लड भरा रहता है। ठीक है, तो हेमोसिल्स कहते हैं, और उसमें जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होता है वो होता है हेमोसाइनिन होता है, ध्यान रखना। मसल्स में तो मलस का जो ब्लड होता है हेमोसाइनिन पिगमेंट्स कंटेन करता है, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके मोलस्का के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलते हैं तो मोस्टली जो मोलस्क होते हैं वो डाइस्टस होते हैं और ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है कि एग लेइंग होता है। ठीक है, और डाइस्टस का मतलब पहले बताया था कि इसमें क्या होता है, बोथ सेक्सेस क्या होता है, सेपरेटेड, मतलब ये कैसा होता है, यूनि सेक्सुअल होगा। ठीक है बच्चों, एक एक्सेप्शन ध्यान रखना इसमें, जैसे एप्लीसिया एक एग्जाम्पल्स होगा तुम्हारा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, एक्सेप्शन है एप्लीसिया, थोड़ा लिखना दिक्कत होता है, ये मोनोसियस होता है। कैसा होता है, मोनोसियस होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोई एसेक्सुअल फॉर्म नहीं होता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकता है, मोस्टली कैसा होता है इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट भी बोला गया है बट छोड़ो, उतना हम लोग इसको इनडायरेक्ट याद रखते हैं। और इसमें जो लार्वा का नाम है, एक है वेलिगर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा और टोकोफोर लार्वा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इसमें नीचे लिखा हुआ सारा सारा ये मोलस्क का लार्वा का नाम है, वेलेजर लार्वा, ग्लोचिडियम और टोकोफोर लार्वा। ठीक है बच्चों, तो ये सब लार्वाज हैं इसी के, तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस करके, थोड़ा सा देखते हैं तुम्हारा किसको क्लासिफिकेशंस करते हैं हम लोग मोलस्का का, हालांकि क्लासिफिकेशन याद नहीं करना है। ठीक है, बट इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, मैंने उसको बताने के लिए ये पॉइंट्स रखा है, बट कुछ क्लासेस के नाम याद रख लेने हैं, आगे वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं याद करना, यहाँ पे क्लास को छोड़ो, मैं क्लास से नहीं बोला हूँ। नियोप्लेना एक एग्जाम्पल्स है, नियोप्लेना इसको इसलिए याद रखना क्योंकि ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन एनेलिडा और मोलस्का के बीच में। ठीक है, तो नियोप्लेना एक हो गया, ये याद रखना है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग, इसमें एक एग्जाम्पल्स है तुम्हारा चीटोप्लूरा या चीटोन्स कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, चीटोप्लूरा चीटोन्स, और ये भी कनेक्टिव लिंक्स होता है। कनेक्टिव लिंक्स तो बोल सकते हो एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, बट यहाँ पे एक लार्वा है जिसका नाम है ट्रोकोफो लार्वा, और ट्रोकोफो लार्वा इन दोनों का में प्रेजेंट होता है, एनिलिडा और मोलस्का दोनों में, तो इसका लार्वा का नाम है ट्रोकोफो लार्वा, जो कि दोनों में मिलता है तुम्हारा। ठीक है बच्चों, और इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोलस्क क्या था, नॉन सेगमेंटेड, बट ये एकमात्र ऐसा है जो कि कैसा है तुम्हारा, सेगमेंटेड होता है, मतलब जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ा था ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेड होता है। नेक्स्ट, हाँ अब इस क्लास का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और इस क्लास का नाम है आपका गैस्ट्रोपोडा। ठीक है बच्चों, गैस्ट्रोपोडा, एक तो हम लोग बार बार यूज कर रहे थे ना सिफिलोपोडा, अभी आगे आ जाएगा, ये गैस्ट्रोपोडा क्लास याद रखना है, और ये लार्जेस्ट क्लास है मोलस्का का। इसमें एक्सिलरेटरी ऑर्गेन्स देखो लिखा है ना, अनपेयर किडनी, ठीक है ना, ऑर्गेनोबोजेनस जिसको बोले थे, किडनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ भी अदर कुछ भी नहीं देखना, छोड़ दूँ। अब गैस्ट्रोपोडास में ये एक एप्पल स्नेल है पाइला, इसको याद रखना, पाइला हो गया। ठीक है ना, दूसरा एप्लीसिया भी जैसे बता रहा था ना, ये मोनोसियस होता है। लेमेक्स हो गया, स्लग जिसको बोला जाता है, लेमिना हो गया, पॉन्ड स्नेल्स हो गया, बस इन एग्जांपल्स को याद रखना जिस पे मैंने टिक करके रखा बच्चों। ठीक है, चाहे तो तुम लोग इसको लिख सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे एक बहुत ही विशेष चीज आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन एडल्ट कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों,
में रखना, इन द केस ऑफ गैस्ट्रोपोडा जो लार्वा है ये होता है बाइलेटरल, बाई सिमेट्री, ठीक है। बट इसमें जैसे ही एडल्ट आ जाता है तो एडल्ट हो जाता है ए सिमेट्रिकल्स, ठीक है बच्चों, ए सिमेट्रिकल्स। तो इसमें क्या दिखना जा रहा है कि ये एडवांस से प्रिमिटिव कैरेक्टर, मतलब इसमें जो डेवलपमेंट हो गया वो कैसा बोल सकते हो बच्चों, रेट्रो ग्रेसिव होता है, ठीक है, रेट्रो ग्रेसिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना, रिटार्डेशन टाइप का समझ सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ इसमें पॉइंट है जो थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है ना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो पॉइंट्स क्या है तुम्हारा बच्चों, ध्यान में रखना। एक तो जैसे है ओमेटोफोर, मेटोफोर, ओमेटोफोर स्पाइला में मिलता है। तो ओमेटोफोर्स क्या है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था बच्चों की इसमें हेड था, ये हेड हो गया लाइक, और इसमें एक रेसिपिंग स्ट्रक्चर था जिसको रेडियोला बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर आई ऐसे होता है, तो आई ये बच्चों ये वाला आई है, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इसी को ओमेटोफोर कहा जाता है। तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ओवर द हेड विच होल्ड द आईज इसको बोला जाता है ओमेटोफोर्स। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है ऑस्फेरिडियम, ये एक तरह का केमो रिसेप्टर होता है, ठीक है ना, या सेंसरी ऑर्गन्स कह सकते हो, ठीक है ना, जो कि फूड सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो मतलब एक तरह से केमो रिसेप्टर है, और ये कह सकते हो गैस्ट्रो रिसेप्टर की तरह काम करता है, और सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। उसके अलावा पाइला जो होता है ये एस्टिवेशन दैट मीन समर्स स्लिपिंग शो करता है। तो इस पॉइंट्स को भी याद रखना है, कहीं तुम्हारा इकोलॉजी में पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड, जो दूसरा फाइलम हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, उसे तो फाइलम याद नहीं रखना है लेकिन, सॉरी फाइलम बोले, क्लास याद तो नहीं रखना है लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्लास में जैसे मैंने बोला इसमें बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं, मैं बोलूंगा भी नहीं, इसमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना, बाई वेल्विया। तो बाई वेल्विया का जैसे एग्जाम्पल है यूनियो फ्रेस, वाटर मजल्स, टेरेडो, सीपवॉर्म्स और पेनेक्टाडा पर्ल ऑस्टर्स, ठीक है ना। मोती जिसमें से निकलता सिप, ऐसे दो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है बाइवल्वियास बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसमें नंबर ऑफ जो सेल्स है वो दो होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ऑर्गन ऑफ विजेनस प्रेजेंट होता है फॉर एक्सक्रीशंस के लिए, ठीक है ना। एनीवे इसके अलावा ये फिल्टर फीडर होता है, ध्यान रखना, जो बाइवल्विया के जितने मेंबर है कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं इसमें, क्योंकि रेडुला क्या होता है, अपसेंट होता है बच्चों, रेडुला अपसेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना रखना कि रेडुला जो होता है वो यूनियन में क्या, यूनियो में क्या होता है, अपसेंट होता है, तो इसलिए फिल्टर फीडर होता है, ठीक है। एनीवे अब इस क्लास से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इंपॉर्टेंट आपके पर्ल इंडस्ट्रीज के लिए, तो यहाँ पे पर्ल ऑस्ट्रल पेनेक्टाडा, ध्यान रखना पेनेक्टाडा, स्पेसिस कोई मन से नहीं, जीनस याद रखना पेनेक्टाडा, और पेनेक्टाडा को मोस्टली यूज किया जाता है पर्ल इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है की कोकिची मिकी मोटो, एक जापानीज साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कहा जाता है। और पर्ल जो होता है ये मेंटल का सिक्रेशंस होता है, मेंटल लेयर जो पढ़ा था ना, तो सबसे ऊपर हो गया सेल, सेल के नीचे हो गया मेंटल, और ये मेंटल ही आगे चल के ऐसे जो क्या कहता है, ऐसे स्फेरिकल अगर कुछ बनाता है तो यही कहलाता है मोती, ये बन गया तेरा मोती बन जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और पर्ल इंडस्ट्री में पेनेक्टाडा को यूज किया जाता है मोस्टली पर्ल के प्रोडक्शंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इसका जो क्लास है वो क्लास है आपका, ध्यान में रखना बच्चों, वो है सिफेलोपोडा, ठीक है ना, क्या है इसमें, सिफेलोपोडा, ठीक है ना, ध्यान में रखना सिफेलोपोडा। एनीवे सिफेलोपोडास में खास बात क्या होता है, देखो सिफेलो मीन्स होता है हेड, अपोडा मीन्स होता है लेग, तो ऐसा जानवर जिसके हेड पे उसका पैर, ऐसे ही मैं पता था ना सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडास में देखो ना, आई ये वर्टिब्रेट्स की तरह होता है, और फुट इज लोकेटेड ऑन हेड पे प्रेजेंट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, मतलब इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट्स होता है तुम्हारा, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन चाहिए तुम्हारा, इसमें एग्जांपल्स कुछ कुछ है जैसे सेपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, लोलिगो स्क्वैट्स कहा जाता है, और आर्किटिथियोथिस लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स ये है।
तो इन वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा, देखो अगर बोलता है लार्जेस्ट एनिमल्स तो हमें ब्लू व्हेल बोलना होता है, और लार्जेस्ट इन वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट भी इन वर्ड यूज करता है तो उसमें क्या आ जाएगा, आर जीटियोथिस बोला जाता है, जो कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है ना। ये ऑक्टोपस का डायग्राम है, 9th सदी में दिया है तो थोड़ा देख सकते हो इसमें, इसको आर्म या टेंटेकल्स कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कुछ पॉइंट यहाँ पे, जैसे लोलिगो और सेपिया, इसमें इंटरनल सेल्स प्रेजेंट होता है। ऑक्टोपस एक इनकी फ्लूड सिक्रेशंस करता है जो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम आता है, और इन ग्लैंड्स सेपिया, ऑक्टोपस और लोलिगो में होता है, ठीक है ना, एप्लीसिया या स्नेल्स में नहीं होता है, ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा, बच्चों फाइलम मोलस्का के बारे में। चलो नेक्स्ट फाइलम देखते हैं हम लोग, ठीक है। बट नेक्स्ट से जाने से पहले आप लोगों से फिर से वही एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, और वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना, आप कमेंट सेक्शंस में ये जरूर मेंशन करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और अगर कुछ और भी वीडियो अपडेट चाहते हैं तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी उस वीडियो को अपलोड करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट फाइलम की तरह चलते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम हम लोगों का है इकाइनोडर्माटा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्माटा। अब इकाइनोडर्माटास में कुछ कुछ जनरल पॉइंट्स से पहले उसको डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, बट इसको स्टार्ट करें उससे पहले एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है बच्चों। इकाइनोडर्माटा ये क्या है, नॉन कोरिलेटेड है, क्या है, नॉन कोरिलेटेड। इसको हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये वेरी क्लोजर होता है किसके, कोरिलेट का, ठीक है ना, और काफी कुछ इसमें सिमिलरिटीज देखा जाता है, ठीक है ना, कोरिलेट के कंपेयर में। तो ऐसा क्या क्या पॉइंट है उसको हम लोग सबसे पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नंबर वन है इसमें क्या होता है, नंबर वन है इसमें ध्यान में रखना बच्चों, एक तो बोनी मेसोडर्मल ड्राइव बोनी कैलकेरियस स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो एक हो गया। दूसरा इनका जो सिलोम होता है, ठीक है ना, वो ट्रू सिलोम होता है, पता ही है, बट सिलोम जो होता है ध्यान में रखना बच्चों वो कैसा होता है, इंटरो सिलोमिक कंडीशंस होता है, ठीक है ना, इंटरो सिलोमिक कंडीशंस। और तीसरा ये भी क्या है, लाइक कॉर्डेट की तरह ये भी क्या है, ड्यूटेरो स्टोमिक कंडीशंस होता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपका सारा चीज डिस्कस करके रखा, तो वहां से जाके आप देख के समझ सकते हैं। एंटेरोसिलोमिक सिलोम मतलब होता है कि तुम्हारा इसमें जो मेसोडर्म्स है वो एंटेरोसील या एम्ब्रियोनिक गट से ड्राइव होके बना है, और ड्यूटेरोस्टोमस का मतलब होता है कि पहले एनस बनता है फिर बाद में जाके माउथ बनता है। तो इन तीन करेक्टर के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉर्डेट होता है, सॉरी इकाइनोडर्माटा जो होता है वो कॉर्डेट के काफी क्लोजर होता है, ठीक है। एनीवे अदर कैरेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो इंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है, और इस कैलकेरियस इंडोस्केलेटन्स के वजह से बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पाइनी आउटग्रोथ दिखते हैं, जिससे इसका बॉडी कैसा हो जाता है, स्पाइनी, और यही स्पाइनी बॉडीज के बेसिस पे इसका नाम भी पड़ गया इकाइनोडर्माटा। इकाइनस डर मतलब होता है स्किन्स, और स्काइनस मतलब हो गया स्पाइनी, तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कह सकते हो इसको, क्या बोल सकते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ऑल आर मेराइन, ये सारे के सारे मेराइन होते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो बच्चों फिर से याद करते हैं, मैंने बोला था पूरे एनिमल किंगडम में तीन ग्रुप है, तीन फाइलम है जो कि एक्सक्लूसिवली मेराइन है। नंबर वन एक आ चुका है ऑलरेडी, पढ़ चुके हैं कौन सा, टीनोफोरा, दूसरा ये है इकाइनोडर्माटा, और तीसरा कौन सा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में, हेमिकोरडाटा। तो ये सब के सब क्या है तुम्हारा, ये सब एक्सक्लूसिवली मेराइन है। उसके अलावा इसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, एडल्ट इकाइनोडर्म रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना, बट जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बाइलेटेरिया ग्रुप में, मतलब बाइलेटरल ग्रुप में ही पढ़ते हैं, बट ध्यान रखना। तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, देखो
रेडियल सिमेट्रिकल्स जो है इसका एडल्ट और लार्वा क्या बायलेटर, तो रेडियल हो गया प्रिमेटिव करेक्टर और ये एडवांस करेक्टर है, इसमें भी कह सकते हो कि आप रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। क्या बच्चों? रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्लोब्लास्टिक, और इसमें जो सिलोम भी क्या होता है, यूसिलोम होता है, यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया, एंटेरोसिलोमिक कंडीशन होता है और डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका जो फीचर है, इसके बॉडी में खास बात क्या है बच्चों, कि इसके बॉडी में ना तो हेड और ब्रेन दोनों चीजें क्या होता है, अब्सेंट होता है। काफी यूनिक बात है कि अभी तक तो सिविलाइजेशन हो गया था, लेकिन फिर से अचानक से सिविलाइजेशन मतलब हेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो गायब हो गया है। तो यहाँ पे हेड भी नहीं होता है और ना तो ब्रेन होता है, ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम है, माउथ एनस प्रेजेंट होता है, मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है, माउथ एनस दोनों होता है। बट अब यहाँ पे एक यूनिक चीज है कि जो नॉर्मल अगर हम कंसिडर करेंगे तो माउथ ऊपर और एनस नीचे समथिंग ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माउथ जो होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है जैसा कि दिख रहा है, वो डायग्राम में दिख नहीं रहा नीचे है, और एनस जो होता है वो अपर साइड होता है, दैट इज डॉर्सल साइड में होता है। ये एनस दिख रहा है, मतलब ये एनस है और इसके नीचे कहीं पे यहाँ पे माउथ होगा तुम्हारा बच्चों, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल अपोजिट हो गया। दूसरा, इस फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है तुम्हारा, ठीक है, इस फाइलम के लिए स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या है बच्चों? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे एकदम प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है लोकोमोशन, फूड कैप्चर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। एनीवे, अब इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स को एम्बुलेक्युलर सिस्टम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एम्बुलेक्युलर सिस्टम्स भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेरिडियो पोर लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वाटर एंटर करता है और इस तरह से लेटरल वगैरह लेटरल, ये सब उतना डिटेल में देखना नहीं है, ये सब पूरे बॉडी में इस तरह से फैल जाता है। और यहाँ पे एक ट्यूब फुट स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे पोडियम होता है, इस पोडियम के नीचे से यहाँ से पानी रिलीज होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, जिसके हेल्प से ये क्या करता है, लोकोमोशन तो परफॉर्म्स करता ही करता है, फूड कैप्चर भी करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट भी करता रहता है तुम्हारा बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूनिक चीज यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टोमिक दिख रहा है और बाकी ये सब पार्ट हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और जो भी रिंग वगैरह पार्ट होता है, रिंग वगैरह जो पार्ट है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है। तो इसमें एक कैनाल सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो पूरे बॉडी में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड गैदर करने के लिए, लोकोमोशंस के लिए, कैप्चर करने के लिए, ठीक है। एनस हो गया आपका तुम्हारा अपर मतलब डोर्सल साइड, और माउथ हो जाता है वो नीचे, दैट मीन्स कहाँ होता है, वेंट्रल साइड में होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है तुम्हारा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट देखो बच्चे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम भी कौन कर देता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स इस फाइलम्स के लिए वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्या बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे सेक्सेस क्या होता है, सेपरेट। सेपरेट के लिए क्या बोलोगे? मोनोसिस या डायोसिस बच्चों, बोलो जल्दी, क्या बोलोगे? सेक्सेस सेपरेट मतलब क्या हो गया, मेल अलग फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल के लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तुम्हारा डायोसिस कंडीशंस होता है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें यूजली कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इसमें बहुत सारे फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग लार्वा, जैसे कि यहाँ पे एक लार्वा का नाम है डाइप्लूरा लार्वा, और डाइप्लूरा लार्वा एक कॉमन एंसेस्टर होता है इकानोडर्माटा, हेमिकोरोडाटा एंड कॉर्डेट का। तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि जो कॉर्डेट है वो इकानोडर्माटा से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, NCERT में जितने डायग्राम दे रखे वो NCERT के डायग्राम यहाँ पे नीचे लिखे हुए और उन्हीं का एग्जाम्पल जो है, ठीक है, इसमें क्लासेस नहीं करना क्योंकि काफ़ी बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो स्टार फिश है, स्टार फिश को बोलता है एस्टेरियस कहा जाता है, इकाइनस सी अर्चिन्स, एंडीडॉन्स सीलिली, कोकमेरिया सी कोकम्बर्स, और एक लास्ट है ऑफिरिडिया बिटल स्टार्स। बिटल स्टार्स का डायग्राम ये बना हुआ है, ये स्टार फिश का डायग्राम ये है, ये बच्चों क्या है, ये ऑक्टोपस डेविल फिश, ये लेकिन यहाँ कैसे आ गया, ओके ये तो मोलस्क है तो इसको ये रॉन्गली प्लेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है बच्चों।
तो ये हो गया स्टारफिश और ये हो गया तुम्हारा ऑफिरिडी अरेंड में ब्रिटल स्टार्स का दो का डायग्राम दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी ध्यान में रख लेना तुम लोग, ठीक है ना। इतना ही रहने देते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों का नेक्स्ट जो फाइलम है वो है फाइलम हेमीकोरडाटा। ठीक है बच्चों, हेमीकोरडाटा, ठीक है ना। आई होप बच्चों मेरे इस वीडियो को आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिएगा मेरा, ठीक है। जिससे मेरा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, तो मुझे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे मोटिवेट करने के लिए। चलो नेक्स्ट फाइल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर पढ़ाई में किसी भी तरह का टेंशन या दिक्कत वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी समस्या है उसको सुनी जाएगी और उसका जो समाधान होगा उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। अब आ जाता है हेमीकोरडेटास। हेमीकोरडेटास का एक और फाइलम का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टोमोकोरडेट, ठीक है बच्चों। ये स्टोमोकोरडेट क्या है, हम लोग छोड़ के थोड़ा आगे आगे, तो जनरल फीचर में ध्यान रखना। पहले इसको हेमीकोरडाटा को माना जाता है, सब फाइलम किसके कोरडेट में माना जाता है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर था जो कि इसको एक रिजम्बल माना जाता था कोरडेट के, नोटोकोड के सॉरी, लेकिन वो नोटोकोड नहीं निकल के ये निकल गया स्टोमोकोड। ये होलो स्ट्रक्चर होता है, थीक होता है, ठीक है ना। और ये एक्सटेंडेड होता है बकल कैविटी से लेके तुम्हारा प्रोबोसिस तक, यहाँ पे होता है और रिजेंबल होता है, ठीक है। बाद में जब साइंटिस्ट ने इस चीज का डिस्कस, मतलब इस चीज को थोड़ा इन्वेंट करने की कोशिश किया, अलग मतलब अच्छे से जांच किया, तो पता चला कि ये नोटोकोड तो नहीं है, कुछ और चीजें हैं, ठीक है। नोटोकोड नहीं है, कुछ और है। तो फिर बाद में इसको अलग ही एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया और इसका नाम रख दिया हेमीकोरडाटा या स्टोमोकोरडेट्स कहते हैं। इसमें ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फाइलम है, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम होता है, और इसका बॉडी जो होता है वो वार्म लाइक होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डायग्राम, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, देख सकते हो थोड़ा, ठीक है। बट इसका मैंने एक दूसरा डायग्राम ले रखा, आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरा डायग्राम ले रखा है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बट इसी में ये सारे बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे है दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक, तो बोला है मेराइन होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। बायलेटरल सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, और सीलोम इसमें प्रेजेंट होता है। सर्कुलर सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है, तो ये लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है ना। हाँ, रिस्पायरेशन के लिए इसके पास गिल्स प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल गिल पोस्ट दिख रहा है, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होता है। इसके बॉडी के अगर डिस्कस करें तो बॉडी इसका सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और कंसिस्ट होता है प्रोबोसिस कॉलर और लॉन्ग ट्रंक इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये प्रोबोसिस है, एक यहाँ से यहाँ तक प्रोबोसिस, दूसरा ये दिख रहा है कॉलर, तो यहाँ से यहाँ तक है ये कॉलर, और तीसरा ये है ट्रंक बच्चों। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके चले जाओ यहाँ तक हेपेटिक रीजन तक, तो ये ट्रंक हो गया, और बाकी ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है टेल, यहाँ पे एनएस दिख रहा होगा आपका, ठीक है बच्चों। तो एनएस है, माउथ यहाँ पे कहीं नहीं दिखा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ये क्या है, गिल पोर है, गिल स्लिट है, और ये गिल स्लिट ही माउथ की तरह काम करता है। तो जब ये ब्रीद कर रहा होता है उसी टाइम पे जो भी फूड मटेरियल होता है उसको इनहेल करता है, मतलब ये भी कैसा हो गया, फिल्टर फीडर, ठीक है, फिल्टर फीडर हो गया ये भी एक तरह का, ठीक है बच्चों। तो उसको भी ध्यान में रखना, फिल्टर फीडर है ये तुम्हारा। अब उसके बाद इसमें डाइजेशन के लिए, इसमें जो भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है वो सब कुछ होता है, डाइजेशन होता है, ग्लैंड वगैरह सब कुछ है, ठीक है। इसके एंटेरियर पार्ट में जो प्रोबोसिस होता है, सूंड जैसा स्ट्रक्चर, इसके अंदर यहाँ पे ये प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, और इस प्रोबोसिस ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है एक्सक्रीटिव मटेरियल, और इस ओपनिंग को बोलते हैं प्रोबोसिस पोर कहा जाता है। क्या यहाँ पे बच्चों, प्रोबोसिस पोर प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये प्रोबोसिस पार होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर इसका, तो देख लो फिर से, इसका बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है, एक हो गया प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर, तीसरा ट्रंक, चौथा हो गया इसमें टेल। तो चार पार्ट में, ट्रेल यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे दिखा दिया, टेल में डिफरेंशिएटेड होता है। एक्चुअली में
कॉलर के नीचे का जितना पार्ट उसको ट्रंक ही कहते हैं, तो ट्रंक ही है सब। बट उस ट्रंक में भी स्पेशली ये क्या हो गया, आपका टेल रीजन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी थोड़ी देर पहले बदल रहा था, जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है, ओपन होता है, रिस्पायरेशन इसमें गिल्स के थ्रू होता है, अभी देखा था गिल्स स्लिट, गिल्स पोर्स, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होता है जो कि प्रोबोसिस रीजंस में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शंस की बात करें तो सेक्सेस इसमें सेपरेटेड होता है, मेल अलग फीमेल अलग, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है तुम्हारा। दैट मीन्स इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है और डाइप्लूनल लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है। तीनों में कॉमन बोला था ना, तो ये भी डाइप्लूनल लार्वा इसमें कॉमन ही होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, एनीवे इससे पहले एग्जांपल पे आए, इसका जो बॉडी होता है ये फर्जाइल होता है, काफी सॉफ्ट होता है। अगर इसको हाथ से पकड़ेंगे तो हो सकता है कि टूट जाए छोटे छोटे पीसेस में। दूसरा, इसका जो ट्रंक रीजन होता है वो मिट्टी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिट्टी के ऊपर, और मिट्टी के ऊपर जो भी सरफेस होता है उसको ये खाता हुआ चलता है। तो लाइक जस्ट के टंग से ये कुछ लीक कर रहा, चाट रहा है, समझ में आ रहा बच्चों? तो इसलिए इसको टंग वाम्स भी कहते हैं, कि इसको पूरे फाइलम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब हेमिकोरडाटा इसको टंग वाम्स भी कह सकते हो, या एक वर्ड और है कॉर्न वाम्स भी कह सकते हो। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एग्जाम्पल में दो ही एग्जाम्पल है, ब्लेनोग्लोसस। ठीक है ना, तो जो डायग्राम हम लोग देख रहे थे वो आपका ब्लेनोग्लोसस का ही था, और इसी को टंग वाम्स और ये एकॉर्न वाम्स कहा जाता है, और ये कनेक्टिव लिंक्स है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का बीच में। एक और एग्जांपल है सेकोग्लोसस, इसको भी आप एकॉर्न वाम या टंग वाम्स कहना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये हेमिकोरोडाटास के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहीं पे ये तो वीडियो हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चों तीन फाइलम टोटल कवर कर लिया है। कौन कौन सा? आपका एक पहला पढ़ा है मोलस्का, दूसरा हेमिकोरडाटा, हेमिकोरडाटा और एक इकानोडर्माटा, इसको पढ़ा है इसमें। ठीक है बच्चों, थोड़ा सिक्वेंस गड़बड़ हो गया, बट इन तीन फाइलम को हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, तो वीडियो के अंत में जाके कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है ना, और जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना, और बाकी जिनको मेरे इस वीडियो की ज़रूरत है उनको भी, उनके साथ शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कॉर्डेट के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना नाम रोशन करो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।